वो वक्त आ चुका है कि अयोध्या नगरी को हम करेंगे बाय बाय। अभी गाड़ी में सब कुछ पैक हो रहा है यार, जानू में जाना यार हमने अयोध्या छोड़ के। भाई धुंध देखो अभी कितनी ज्यादा हो रखी है, कुछ नहीं। सो गाइस यहाँ पे मैं राइड के मजे लेते हुए यहाँ पे देखो देखो भाई सोरो भाई गाने गा जा रहे हैं पीछे बैठ के, क्या बात है। गरीबों को मार रहे हैं कौन? मोदी। मोदी हाँ क्या दिया? सही बात है। तो पेंशन देंगे हाँ। देंगे वोट देंगे, गरीबों के साथ क्या किया? सही बात है, सही बात है। तो आप किसको वोट दोगे? आप किसको दोगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को गुड मॉर्निंग बकलोल चंदन, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 10:30 एंड अब वो वक्त आ चुका है कि अयोध्या नगरी को हम करेंगे बाय बाय। अभी गाड़ी में सब कुछ पैक हो रहा है यार, जानू में जाना यार हमने अयोध्या छोड़ के। जयपुर जा कहाँ रहे हो? दिल्ली से होते हुए देखेंगे जहाँ मन करेगा। बट मन कर रहा है सच बताना, है ना? मन नहीं कर रहा बट जाना तो है। तो चलो फिलहाल करते हैं आज के दिन और व्लॉग की शुरुआत प्रभु श्री राम जी का नाम लेके, जय श्री राम। तो भाई सारे लोग आ गए हैं, रक्षण भी आ चुका है, अर्जुन भाई भी आ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। है मन जाने का? मन तो नहीं है पर जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। जीएस भाई बनारस जाने का। बनारस का भी ट्रिप बनाएगी जल्दी यार। और अगर आप चाहते हो बनारस का ट्रिप बनाए तो कमेंट करके बताओ कि जाए बनारस वाली साइड क्या नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि हम जाने के लिए ना तंग हो जाएंगे। हाँ भाई जाने जाने हो जाए जाने के लिए पड़ेगा। तो चलो यार फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बनारस आइए। और पता नहीं अब कहाँ रुकेंगे, कहाँ मतलब जम्मू तो नहीं पहुंचेंगे आज में, बट देखता है दिल्ली स्टॉप होता है या कहाँ स्टॉप होता है। बाय बाय अयोध्या। मन तो नहीं कर रहा पर क्या करें, जाना पड़ेगा यार। है कि नहीं है? है पक्का? भाई टेंशन हो जाती है भाई, मेन डाटा सामने मेन सामान वही कमरे में निकाल के ऐसे पड़ा हुआ था ना। शुक्र है वही मेरे दिमाग में। तभी जानू को डाउट हो गया था कि गोप्रो उसने बैग में डाला नहीं डाला, तो रास्ते में रुक गए थे, वापस जाना पड़ता कसम से होटल। शुक्र है था। हेलो रक्षण, क्या हो मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? उसकी शक्ल देखना कैसे हो गया रक्षण को बाइक पे मजा आ रहा है। तो यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर के 2 बजे और अभी एक ढाबा ढूंढा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इससे पहले एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएं उसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो कुछ खा लेते हैं। तो जानू भाई क्या खाओगे? रजनीगंधा। रजनीगंधा। अरे यार तो ये हमारा ढाबा बेचार छोले पूरी। मैं देखता हूँ उनको, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। यार खाना खाया तो सही हमने यहाँ पे, लेकिन मजा नहीं आया, टाइम पास ही हुआ। भाई फिर मोदी को वोट दोगे? नहीं, नहीं देंगे। मोदी को नहीं दोगे? नहीं देंगे। तो फिर किसको दोगे? भाजपा को दोगे? चलो चलो चलो, हम भी मोदी को दे रहे हैं, हम भाजपा को। क्या 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 क्या? गरीबों को मार रहे हैं कौन? मोदी। मोदी हाँ क्या दिया? सही बात है। तो पेंशन देंगे हाँ। देंगे वोट देंगे, गरीबों के साथ क्या किया? सही बात है, सही बात है। तो आप किसको वोट दोगे? आप किसको दोगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को दोगे? चलो 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 गाइस, रक्षण बाइक चलाते चलाते अभी जस्ट, अबे उठ उठ, मजा आया? मजा आ रहा रक्षण? मजा आया क्या कहा वो? अबे जीएस कहाँ गया बता ना, इसकी बस यही याद है। अबे साले बोल कहाँ गया वो? अब बाइक वाले को बता रहा है। किसी और के साथ आ रहा है लिफ्ट लेके? वो के चक्कर लिफ्ट मांग ली उसने। क्यों तेरे रुका ना उसके आगे बोलता भैया आप ब्लॉगर हो? बोलता हाँ। हाँ। उसको के राखू रहा हूँ, बोलता भैया आपकी बाइक ना चलाऊंगा, उसी बड़ा आप ही शेम हुआ। सो गाइस अभी मैंने भी हेलमेट पहन ली है, मैं बैठ रहा हूँ जानू भाई के पीछे। मैं यार अब इतना कुछ कर ही लिया इस ट्रिप में, एक चीज रह गई है वो भी जानू भाई के साथ। तो चलो अब थोड़ी सी राइड करते हैं यहाँ से। तीन चेक करोगे? हैं इसकी लाइफ चेक करोगे? कराओ कराओ चेक। यहाँ से 300-400 किलोमीटर है दिल्ली, अब दिल्ली बजेगी ब्रेक। दिल्ली एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रिकॉर्ड करता हूँ।
क्या करो सुरो भाई पीछे पागल हो चुका भाई भाई देखो गाने गा रहा जोर जोर से पता नहीं मुन्ना शुन्ना पता नहीं क्या गा रहे हैं और जैसे अपनी लहर में चल रहा मैं भी अपनी लहर में चल रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं राइड के मजे लेते हुए यहाँ पे देखो भाई सोरो भाई गाने गा जा रहे हैं भाई पीछे बैठ के, क्या बात है। और पीछे एक मार आ रही है गाड़ी, तो सोरो भाई आप लोगों को पता हम इधर मिले थे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई अब राइड पे। तो जब मतलब कि थोड़े बहुत और बंदे जुड़ जाते हैं ना तो अकेले अकेला महसूस नहीं होता भाई। सो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं टोल पे। कितने किलोमीटर का गैप मारा हमने? मतलब अपने गाड़ी वाले जो भाई लोग पीछे बैठे 100 किलोमीटर आ गया उनसे। सोचो कैसे आ रहे हो। तो भाई अभी पर्ची कटवा रहे हैं क्या सुर भाई? मतलब जो मजा आ रहा है ना, अब गाने प्लेलिस्ट सुन रहे हो? हाँ सेक्सी भाई सेक्सी मजा आ गया। अपन गाने गाते गाते चल रहे हैं, मतलब क्या बात है भाई। तो गाइस रास्ते में रुके पेट्रोल पंप सॉरी ठंड बहुत ज्यादा लग रही है हमें, तो हमने सोचा क्यों ना बैठ के थोड़ा चाय और पैटी जो है वो खाया जाए, तो चाय पट्टी खाते हैं अभी। और हमारे जो दोस्त हैं वो रह गए हैं लगभग 100-120 किलोमीटर पीछे। 120 किलोमीटर पीछे हम बड़ी आगे आ गए फुर्ती मार के। सो भाई ठंड में सिकुड़ते हुए पता नहीं कैसे कैसे करके हम फाइनली दिल्ली पहुँच चुके हैं। और अभी है रोहिणी में और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि जानू ने अपनी कार दी थी मॉडिफाई करने के लिए, तो वो हो चुकी है। कैसी लग रही है? बहुत ही ज्यादा सुंदर, क्या बात है। तो अभी गाड़ी भी यहाँ से लेनी है, बाइक भी लेनी है। बाइक कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा फिर? भाई अर्जुन ही चलाएगा। अब हम गाड़ी में आएंगे ठीक है। सो यार बाइक अब अर्जुन भाई चला रहे हैं और हम आ गए हैं गाड़ी में मजे करते हुए। इतना सुकून इतना आनंद मिल रहा ना अभी कसम से। बाइक में जो बुरी हालत तो रखी थी मेरे और जानू भाई की, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और रात के इस वक्त बज चुके हैं डेढ़ भाई, दो बज चुके हैं सॉरी। तो आधे बोल रहे चंडीगढ़ रुकना, आधे बोल रहे जम्मू ही निकल जाते हैं, तो कोई पता नहीं है कुछ भी। खाना भी नहीं खाया, भूख भी बहुत लग रही है, ढाबा भी नहीं मिल रहा। और बाहर धुंध पता कितनी है, धुंध दिखाता हूँ। झूठ बोल रहे हैं भाई, इन्होंने हम दोनों ने खाया एक बर्गर खाया था ठीक है, उससे क्या ही होता है यार, बाकी उन्होंने कुछ नहीं खाया। एक बर्गर ही है उससे क्या होता है। ढाबा टूबा हैगा तो सी पर बंद हैगा भाई। धुंध देखो अभी कितनी ज्यादा हो रखी है, कुछ नहीं दिख रहा। गुलशन ढाबा बंद है भाई, अंधेरा है। पक्की बात खुला है, रोक देंगे खुद ही, आप इंडिकेटर चला के रखो। चलो भाई मिल गया ढाबे। तो गाइस रात को हम रास्ते में यार होटल में रुके थे खाना खाने के लिए, और धुंध इतनी ज्यादा थी कुछ भी नहीं दिख रहा था। ओस पड़ रही थी, मतलब पानी ना तरेल सीधी मुंह पे पड़ रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जिस होटल में खाना खा रहे हैं वहाँ पर रूम भी है, तो वहीं पर हमने रूम ले लिए दो। ये इंटरकनेक्टेड रूम था ये, और साथ में ये दरवाजा ये, तो यहाँ पे ही सोए थे हम। और रक्षण अपनी कपड़े सुना रहा था, रक्षण सुनाना एक और उत्तम का जो स्ट्रगल है ना लाइफ का, संघर्ष असली सुनाया इसने अपनी जिंदगी का। रक्षण वाकई यार, ओए इधर तो देख, वाकई यार स्ट्रगल तो याद है। मतलब बचपन में अंकल को पता था कि हमारा रक्षण क्या बनेगा। और इसके स्ट्रगल में सबसे ज्यादा दिक्कत दी इसके पापा ने। पापा ने अंकल ने इतना टोका ना इसको, पर ये फिर भी जल्दी जल्दी पहुंचे। पर यार दीपांशु का बर्थडे आज, तो रो रहा है बैठ के, कहता जल्दी आ जाओ। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हम, तो चलो निकलते हैं। ये रूम दो पड़ गए थे 1500 रुपए में, मतलब दोनों नहीं एक 1500 का। तो ठीक है रात बीत गई हमारी, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और अब फिर से निकल रहे हैं हम, ये हाईवे के पास ही रुके थे। अबे बाइक कौन चला रहा है, गाड़ी में कौन आ रहा है? ओ ठीक है, तू बाइक कौन चला रहा है? तू बाइक चला रहा है फिर से? बाइक चला रहा है ओके। अब मैं कल से चला रहा हूँ। सही बात है। तो अभी रक्षण चलाएगा जीएस की बाइक, अर्जुन भाई चलाएंगे जानू की बाइक, और हम गाड़ी में। गाइस ये हमारे राइडर हैं पीछे से। क्या गिरा है? क्या गिरा है पता नहीं, क्या गिरा कुछ पता नहीं है। पीछे से बैग खुला हुआ था। क्या मोटा ब्लॉकर बनेगा रक्षण तू? मम्मी का मुझे पता है। तो रक्षण ने बड़ी दूर से बाइक चला के लाया है। रक्षण कैसा महसूस हो रहा है? मारो तू।
भाई यार ये बंदा जो है ना क्या ये बहुत बड़ा है। क्यों क्या हुआ? अपने आप अंदर गर्मी बखार आ रहा है। तो यार 7:30 रात के हमने 1.5-2 घंटे से वेट कर रहे हैं इन सबका, ये पीछे पीछे आ रहे आ रहे आ रहे, तो पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे अभी हम, और अब यहाँ से निकलेंगे। वेलकम टू जम्मू। फाइनली गाइस जम्मू एंटर कर लिया हमने, और हमने जम्मू एंटर करके थोड़ी डिफरेंट वाइब आ रही, लग रहा है कि हम अपने घर पहुंच गए हैं। यानी लखनऊ एंटर करते ही ऐसी बात, अपने घर पहुंच गए भाई। धुंध पड़ रही है अभी रस्ते में, और जो मुझे लग रहा है वो रक्षण बाइक पे आ रहा है, और वो जीएस भाई आपको अपडेट नहीं मिली है वाली, रक्षण अच्छा खासा गाड़ी में आ रहा था, उसको पता नहीं कौन सी चुल मची, कहता नहीं मैं भी इनके साथ पीछे बाइक पे बैठ के जाऊंगा। उसने पावर बैंक उठाया, फोन उठाया और चल गया बाइक के पीछे बैठ गया। तब मैंने उसको रोका भी, मैंने कहा मुझे जम्मू तक जो है गाड़ी नहीं मिलेगी, तो कोई चक्कर नहीं। पता नहीं क्या हो गया रक्षण को, आजकल बावला सा हो गया, बाइक वाली फील ले रहा पूरी। चलो अच्छी बात है भाई। पिछले यार कोई 45 मिनट से ना सांबा में हम जाम में फंसे हुए, पता नहीं किस बात का जाम लगा है, ट्रक वालों ने जाम लगा के रखा हुआ है। क्या है यार, ट्रक वालों की वजह से जाम लगा हुआ है ब्रो। पिछले मोदी ने निकाला नहीं है ट्रक वालों को सजा, किसकी वजह से जाम लगाया भाई पता नहीं यार किसकी वजह से, लेकिन जाम बहुत गंदा लगा हुआ है। क्या यार मूड खराब हो गया, उधर बेचारा दीपांशु वेट कर रहा है, दीपांशु के बर्थडे के चक्कर में हम आ जाए, वरना मैंने कल आना था। हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसे हो? ठीक ठाक, मुबारक है आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, प्लैटिनम प्रीमियर कप हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हम भी खिला देते हैं। हैप्पी बर्थडे डेजर्ट में भाई।